not busy, so she is rescheduled by around 8 she has back, but I am busy on 8, so I see rescheduled. So thank you so much, Christian, you invited me and I get this favor of this college and all the, actually I am very happy to see that something is happening regarding the khadi also in, this, in the colleges also. So because what happened, aap sabko to khadi to pata hai, pata hai? Kya hota hai kya? कपड़े का ब्रांड है और क्या है पता? देसी ब्रांड, वेरी गुड. और क्या बताए? सो हाउ यू रिकॉग्नाइज द खादी, मतलब आपको खादी क्या लगता है, व्हाट खादी मींस? गांधी जी, हाँ, मतलब खादी का आप नाम लेंगे तो गांधी जी कहीं ना कहीं रिलेट करते. कैसे रिलेट करते हो आप? हाउ रिलेट? स्पिनिंग, चरखा. ओके, और कैसे, मतलब उसमें क्या, मतलब स्पिनिंग करने से क्या हो जाता है? पहले तो मैं सेवा मंडल सोसाइटी, एजुकेशन सोसाइटी और SWRF का धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने इतने दूर दूर से आए बच्चों को इस तरह का ट्रेनिंग जो है, चार पांच जो कोर्सेस उन्होंने यहाँ पे उनको दिया, तो उनके लिए उनका पहले धन्यवाद. सेकेंडली, आज का ये जो प्रोग्राम था जिसके अंतर्गत ये जो बच्चों को सर्टिफिकेट तो दिए गए, स्किल नेचुरली उनका स्किल एनहांस तो हुआ है, पर उसको जो विंग्स है उनको उनको और मतलब आकाश में उड़ने के लिए अगर सपोर्ट, अगर जो गवर्नमेंट की जो योजना है, मुद्रा है या PMEGP है या CMEGP चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, तो ये जो योजनाएं है ये बेसिकली उन्हीं लड़कों के लिए है जो कि नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और उसके अंतर्गत 50 लाख तक का यूनिट जो है अगर उनको सेट करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 35% का जो अंशदान कहेंगे या आप उसको सब्सिडी कहेंगे या मार्जिन मनी या स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो चीज़ें करनी है ये की जाती है. और हम लोग चाहते हैं कि इसमें यंग एंटरप्रेन्योर्स तैयार हो, क्योंकि देखिए कि हमारी जो सबसे बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट के प्रोग्राम से ही दूर किया जा सकता है. ऑफकोर्स इतने जल्दी कोई बिजनेसमैन या कोई मतलब इमिडिएटली इसमें आना नहीं चाहता, मगर एक भी अगर बच्चा, अगर 100 में से अगर 10 बच्चे भी अगर इसमें आ जाते हैं तो 100 लोगों को बिजनेस दे, मतलब 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं. सो इसलिए मैं आप लोगों को भी निवेदन करूंगा, हमारे जो सहकारी है जैसे SWRF से, सेवा मंडल की जो सोसाइटी से, या फिर जो हमारे मित्र राजेश जी और सब लोग जो कि एक्चुअली कम्युनिटी में काम करते हैं, और इनके माध्यम से अगर हम लोग लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये स्कीम तो 2008 से स्टार्ट हुआ है, बट समाउ जो है लोगों तक शायद हम लोग लास्ट माइल डिलीवरी, गरीबों तक वो पहुँचना ज़रूरी है. ऑफकोर्स इसका हर साल में 150 से 200 करोड़ का आउटले जो है महाराष्ट्र के लिए रखा जाता है, और इसमें लोग बेनिफिट भी ले रहे हैं, पर और ज़्यादा लोग अगर लेंगे. सर देखिए, लास्ट ईयर मैम हमने 130 करोड़ का मार्जिन मनी सब्सिडी इन टू, अगर आप इसको 4 करेंगे तो 600 करोड़ के प्रोजेक्ट लगभग महाराष्ट्र में लगे. अगर 600 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट लगता है तो हम लोग एम्प्लॉयमेंट, उसका एम्प्लॉयमेंट का एक रेशो निकालते हैं कि एक प्रोजेक्ट के पीछे कम से कम 5 से 9 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है. तो ऐसे हमारे लास्ट ईयर जो हमारे 5000 प्रोजेक्ट और 130 करोड़ का डिसबर्समेंट, तो इंटू 10 भी अगर इनको अगर 5 भी करते हो तो भी आपका मतलब एक 5000 × 5 करोगे तो 25000 लोगों को मिला, अगर 10 करते हो तो 50000 लोगों को, तो 25 से 50000 के बीच में लोगों को एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट हुआ है ओनली इन महाराष्ट्र. अक्रॉस पैन इंडिया इसका लगभग 3.5 से 4 हज़ार करोड़ का बजट होता है. सो नेचुरली, और इसमें जो हाईएस्ट मनी, और इसमें ये नहीं है कि आप अगर आपको इतना बजट दे आप उसको दुगना कीजिए तिगना कीजिए, कर सकते. लास्ट ईयर जम्मू और कश्मीर में 450 करोड़ का डिसबर्समेंट हुआ है, मतलब हमारे से स्टेट इतना छोटा है पर उन्होंने अच्छा काम किया. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस ऑल्सो कि आप भी इसको परकुलेट कीजिए, नए एंटरप्रेन्योर्स को जरूर आपके माध्यम से बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एप्लीकेशन करने के लिए बोलिए. थैंक यू सो मच. बहुत चैलेंजेस था, लेकिन फाइनली हैप्पीनेस तो है कि काफ़ी सारे बच्चों को सर्टिफिकेट हो गया और वो एक्सपीरियंस हो गए, और एक और जरिया हो गया कि कोविड के लिए हम मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि घर में सीनियर सिटीजन्स हैं तो बाहर नहीं आ सकते, हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो अगर घर में ही अगर हमने ये तैयारी किया है तो इट्स ऑलवेज गुड. नेबर्स में किसी को सपोर्ट करना है तो दे आर द फर्स्ट पीपल टू बी देयर बिफोर दे कुड रीच द हॉस्पिटल. हेल्थ सेक्टर्स में डायलिसिस असिस्टेंट है, इमरजेंसी टेक्नीशियंस है, फिर डायबिटीज़ असिस्टेंट है,
फिर जीरियाटिक केयर है, फिर काफ़ी सारे एक्सरे टेक्नीशियंस, एमआरआई टेक्नीशियंस, यस काफ़ी सारे कोर्सेज किए. यस हमने काफ़ी सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स में बच्चों को एनरोल किया है, चाहे वो कैटेगरी वाइज हो या चाहे वो स्कीम वाइज हो, जैसे NULM है, MSSDS है, फिर अभी जो KVIC का है, चीफ मिनिस्टर महारोग्य कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं. इवन NSDC है और प्रधानमंत्री जी के भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं. तो हम सभी में मतलब पार्टिसिपेशन करें, और हॉस्पिटल्स के साथ में टाई अप है, और SMES तो इट्स अ ग्रुप ऑफ कॉलेज, इसमें 3 कॉलेजेस है, तो उसमें सारे कोर्सेज आ जाते हैं, चाहे पॉलिटेक्निक हो, नर्सिंग हो, और अदर क्या है इसमें, MMPSHA, यस, न्यूट्रिशन रिलेटेड कोर्सेज, मास मीडिया एंड मास मीडिया. तो मोर देन 1000 बच्चे, स्पेशली गर्ल्स, ये लोग यहाँ पर मतलब पढ़ाई कर रहे हैं. और इसमें ये जो फ्री कोर्स है, इसमें भी हमने का ज़्यादा मतलब फोकस यही किया है कि लड़कियों को मतलब इसमें ज़्यादा एनरोल करें. तो आगे भी चल के देखना है कि जो शादी करके भी चले जाते हैं, वो बच्चों को भी मतलब हम ट्रेनिंग दें और वुमेन एम्पावरमेंट में काम करें. कोविड के बाद जब भी मतलब मैन पावर ट्रेनिंग चालू हो गया, क्योंकि कोविड में रियलाइजेशन हुआ कि मैन पावर चाहिए क्लिनिकल फील्ड के लिए, एंड ऑल दीज शॉर्ट टर्म कोर्सेज रियली क्रिएटेड रेवेन्यू फॉर पीपल एंड जॉब प्लेसमेंट. या कोविड एक्चुअली बता चुका है हम सबको कि कैसे हम कम पड़ गए हैं प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के लिए. तो वहीं से शुरुआत हो गई ये ऐसे स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोत्साहन देने के लिए. और जो क्योंकि हमारा ये विमेन इंस्टीट्यूट है, तो हम बहुत से विमेन को एम्पावरमेंट के लिए मदद करते हैं. और आई थिंक इन एसोसिएशन विद ऐसे संस्थाएं और NGO और जो भामरे सर ने आज आश्वासन दिया है, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि हम एसोसिएशन में रहे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा बेनिफिट. बस मैं यही कहूँगा बच्चों को कि जो योगेश सर ने कहा, जो अपील की है, कॉन्टैक्ट करें उन्हें और बहुत आगे बढ़े, और उन्हें जहाँ भी ज़रूरत गिरी तो GORDE और उनको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार है. थैंक यू. जैसे कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने एक फ्री ट्रेड एक्ट किया है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ और UAE के साथ में, और इस साल US कैनेडा के साथ में भी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं. तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारा जो क्राउड है नर्सिंग सेक्टर का स्पेशली, इनको बाहर जाने के लिए काफ़ी स्कोप है. तो बस बच्चे सीरियसली ये कोर्सेज करें, और लाइक आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, उसको कैश करें. यहाँ भी मिलेगा. नहीं, बिल्कुल यहाँ पर भी मिलेगा. और देखिए क्या है कि जितने ज़्यादा लोग ये कोर्सेज करेंगे, उनको उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है. मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अपॉर्चुनिटीज़ हमें अभी बाहर भी है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर भी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं. और हमारे यहाँ का जो क्राउड है वो जिसके एवरेज एज जो है वो 28 है, जो कि हम चाइना से 11 प्लस है, यानी चाइना का एवरेज एज जो है वो 39 है और हमारा 28 है. तो हमारे पास एक बहुत अच्छा यंग पॉपुलेशन है, यंग एनर्जी है, जिसको हम कैश कर सकते हैं. और पूरी दुनिया को भी यंग जो क्राउड चाहिए वो इंडिया सप्लाई कर सकता है. तो जस्ट अ मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स, जैसे भामरे जी ने बताया, इन्फॉर्मेशन इज देयर, देयर आर इन्फॉर्मेशन इन पीसेस, वी नीड टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स, बिकॉज करना सब चाहते हैं, करने वाला या फिर अगेन सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले देयर आर हिडन. ओके, तो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हु इज सपोर्टिंग, व्हाट इज डूइंग. जैसे राजेश जी कर रहे हैं अभी बीइंग इनटू गवर्नमेंट सेक्टर, योगेश जी भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हु वी आर टू रीच आउट टू आस्क फॉर हेल्प.
तो स्टूडेंट्स के लिए इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं प्रधानमंत्री यहाँ से, तो इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ इट एंड लेट सपोर्ट एवरीवन टू मेक इंडिया एम्प्लॉयमेंट।